खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, किसानों को प्याज का उचित मूल्य ना मिलने से नाराजगी चल रही है। एनसीपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है और शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी हो रही है। उनका कहना है कि किसानों को जो प्याज है उसका उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान काफी नाराज हैं और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। नासिक मंडी बंद है पूरी तरीके से, इधर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो प्याज का वो उत्पादन करते हैं, जो लागत उनकी लगती है इसमें, उसका उचित दाम मिले। किसानों पर प्याज वाली ये गाज है। विधानसभा में विरोध भर भर के, जो आप देख रहे हैं टोकरे हैं सर पर उठाए हुए हैं, उसमें प्याज भरी हुई है। इस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है एनसीपी की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और वो किसानों के साथ खड़ी हैं। और इस तरह से प्याज वाकई में रुला रहा है। किसानों का ये कहना है कि हमारी लागत के हिसाब से भी दाम नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र में इस समय प्याज सभी को रुला रहा है। एक तरफ नासिक के लासल गांव में प्याज की खरीद पर किसानों ने बंद कर दी है, वैसे ही देखिए महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर ही यहां पर एनसीपी की विधायक ये देखिए प्याज लेकर यहां पर पहुंचे हैं और विरोध कर रहे हैं सरकार का। इनका ये कहना है कि जो किसान हैं उन्हें प्याज का सही दाम वहां पर नहीं मिल रहा है, महज 4 से 5 रुपए किलो यहां पर प्याज बिक रहा है। और उनका ये कहना है कि किसानों को पर्याप्त दाम मिले। आपका क्या कहना है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है? जो तरीके से प्याज के बारे में किसानों के हाल इस राज्य में हो रहे हैं उसके खिलाफ कल भी हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा ने इसके बारे में आवाज उठाई। किसान पूरी तरह से आज मजबूर हो चुका है, जो उसने कांदा पकाया है, प्याज पकाया है, उसके बारे में आज वो कम्प्लीटली लॉस जा रहा है। किसी भी हालत में कांदे का एक्सपोर्ट बढ़ने को होना और सरकार की कुछ न कुछ नीति यहाँ पर फिक्स होने को होना। अनिल भाईदास पाटिल जी, 5 रुपए खरीदारी 3 रुपए में हो रही है, 25 रुपए मुंबई में मिल रहा है, 1 रुपए में खरीदारी हो रही है और 5 रुपए और 7 रुपए में मुंबई में यहाँ पर बिक्री हो रही है उसकी। सदन में आवाज यही गूंजता रहेगा, इसी तरह से सदन में आवाज गूंजेगा। तो देखा आपने, यहाँ पर एनसीपी के विधायक आक्रामक हो चुके हैं, अपने सर पर प्याज रखकर ये विधान भवन में यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि प्याज की खरीद फरोख्त जो हम दिखा रहे हैं कि बहुत ही कम दामों से यहाँ पर हो रही है सरकार की तरफ से, और यहाँ पर कि जो आम मुंबई के लोग हैं उन्हें 25 रुपए किलो तक ये प्याज मार्केट में खरीदना पड़ रहा है, यानी बीच के 15 से 20 रुपए आखिरकार जाकर आ रहे हैं। प्याज के मुद्दे पर इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। आज हम लासलगांव मंडी में आए तो प्याज लेके आए, तो यहाँ के भाव एकदम कम है, इसलिए हमने मंडी बंद कर दिया। तो केंद्र सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने हमारे वास्ते कुछ करना चाहिए। 50,000 रुपये एकड़ खर्चा आ रहा और 10-20 हज़ार रुपये हमारे हाथ में आ रहे, हमको आत्महत्या करने की ये आ गया है, नौबत आ गई है, इसलिए सरकार ने हमारी तरफ ख्याल देना। जल्द से जल्द हमें ऐसा भाव बढ़ाना चाहिए, कम से कम हमारा खर्चा तो निकलना चाहिए, ऐसा तो कुछ करना चाहिए, इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द कुछ इस पे कार्रवाई करे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, विनोद जगदाले, उनकी रिपोर्ट आप देख भी रहे थे, और साथ ही राहुल पांडे भी जुड़ गए हैं। और विनोद जगदाले, पहले आपके पास आते हुए, एक तरफ सियासत को किनारे रख देते हैं, विपक्षी पार्टियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ जो किसानों की प्याज की समस्या है उसको तो सरकार समझ रही होगी, है क्या दरअसल मामला? देखिए, समस्या सीधे तौर पर विपनेश ये है कि फिलहाल लासलगांव मंडी, जिसे बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी ये प्याज मंडी है, वहां पर जब प्याज लेकर किसान पहुंच रहे हैं तो उनके हाथों में क्या दाम मिल रहे हैं, 2 रुपए और 3 रुपए किलो। हालांकि विधायकों का कहना है कि 1 रुपए किलो यहां पर खरीदारी हो रही है, लेकिन हमारे संवाददाता अंकुश वहां पर है, उन्हें बताया कि 3 से 5 रुपए खरीदारी वहां पर किसानों को मिल रही है। आप सोचिए, किसानों का अगर बात करें तो किसानों की लागत 7 से 8 रुपए प्रति किलो होती है, उनके हाथ में मिल रहे हैं 305 रुपए, यानी 3 से 5 रुपए मिल रहे हैं, यानी उनका नुकसान वहाँ पर हो रहा है। अभी आपने देखा भी, एक किसान कह रहे कि लागत 50,000 है, हाथ में 20,000 रुपए आ रहे हैं। तो यही हाल है, परेशान है किसान महाराष्ट्र में, नासिक में भी, और नासिक के अलावा दूसरी जो सब्जी एपीएमसी मार्केट है
वहां पर भी यही कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। आपको पता ही होगा, 5 दिन पहले एक किसान अपना 512 किलो प्याज लेकर सोलापुर के एपीएमसी मार्केट में पहुंचा था। उस मार्केट में उसके हाथ में सिर्फ 2 रुपए का चेक थमाया गया। बताया गया कि उसका ट्रांसपोर्टेशन का इतना हुआ, उसकी जो तोलाई होती है उसका इतना खर्चा हुआ, सब मिला के 2 रुपए का वहां पर चेक उसको दिया गया। सरकार ने उस व्यापारी का 15 दिन के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया। अब किसानों की एक मांग है कि उनकी आवाज सीधे केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच सकती। राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हमेशा कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है। अगर किसानों की सरकार है तो भाई फिर 2 रुपये और 3 रुपये भाव क्यों मिल रहा है? भाव 10 से 15 रुपये क्यों नहीं है? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्याज को ये अब इस बार की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हालांकि प्याज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी मिल नहीं सकती, लेकिन उनका ये कहना है कि कम से कम हमारी जो लागत है प्याज में, जो लागत लगी है, उतना ही पैसा हमें मिले तो हम शायद गुजर बसर कर पाएंगे। लेकिन लागत 10 रुपये है और हाथ में 304 रुपये मिल रहे हैं तो हम जिए कैसे? अब महाराष्ट्र की विधानसभा में आज 40 मिनट तक हंगामा हुआ। सिर्फ विधायक नहीं बल्कि विपक्ष के नेता अजित पवार भी वहां पर सीढ़ियों पर आकर बैठे। विधायकों ने प्याज की मालाएं पहनी और कपास की भी मालाएं पहन के वहां पर वो आए। उनका यह कहना है कि ये राज्य में फिलहाल किसानों की हालत बद से बदतर है। फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार राज्य में सत्ता में है, लेकिन वहां पर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। अब सदन में भी ये आवाज उठेगी। अब किसान शायद यही मांग कर रहे होंगे कि सदन के बाहर विधायक उनकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर ये आवाज उठनी चाहिए। प्याज को लेकर सदन के अंदर आवाज उठेगी तो वो रिकॉर्ड पर आएगी, और रिकॉर्ड पर आएगी तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब सदन के बाहर हंगामा चल रहा था, अब सदन में हंगामा होगा क्या, ये देखना होगा। विपनेश, बिल्कुल विनोद आप सही कह रहे हैं, और किसानों का नुकसान सरकार को देखना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लागत उनकी ज्यादा है, मुनाफा उनको नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।